नमस्कार। आज का दिन बुधवार है और खूब सेलिब्रेशंस हमारी इस हफ्ते चली हैं, तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के दिन से। तो आज का दिन हमें ये बता रहा है कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आपको लगता है कि नुकसान हो गया है या कुछ चीज़ें मेरे को करनी थी या कुछ चैलेंजेस है, दैट्स ओके, जो होना था वो हो गया, अब जो है उससे नई शुरुआत करने का आज दिन है। और हो सके तो आप ज़रूर अपने साथ थोड़ा टाइम साइलेंस में बिताएं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करें। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एक आँख बंद करके आप एक से लेके 50 तक गिनती कर सकते हैं आराम से, और फिर जैसे जैसे बढ़ता जाए टाइम 60, 70, 80, 90, 100 तक जा सकते हैं। तो वो फोकस माइंड को करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत मदद करता है। तो हम शुरुआत करते हैं आज एरीज के साथ। तो एरीज का एडवाइस ये है कि आज पास्ट को भुलाने का दिन है और नए चैलेंजेस को सॉल्यूशंस के साथ अपनाने का दिन है। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप लाइफ में सफलता चाहते हैं वो आपको मिलेगी। आज रिजेंटमेंट, जो भी आप दूसरों से घृणा, जेलसी, जो भी आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, आप उसको रिमूव करने का दिन है। तो उन तीनों चारों में से जो भी चीज़ें आपको लगता है मेरे अंदर है, उसको आज एक चीज़ को रिलीज करने का दिन है। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस ये है कि आप अगर अपने अंदर समझ सकें कि आप चाहते क्या हैं, तो पहले तो आप उसको गोल को बनाएं कि लिखिए। सेकेंड, फिर अपने ऊपर रिलाई करें कि आप उसको कर सकते हैं। थर्ड, उस रिलाई में इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आप दूसरों की बातों को भी लिसन ना कर सकें। तो आज सब चीज़ों को समझ के, सोच के फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का दिन है। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि आप जो भी थॉट्स आपको लग रहा है कि आपको पीछे ले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उनको आज छोड़ने का दिन है, और जो ग्रोथ की तरफ ले जाए उन पॉजिटिव थॉट्स को अपनाने का दिन है। जैसे ही आप इस बैलेंस को अपनी लाइफ में ले आएंगे कि जैसे ही नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको पॉजिटिव थॉट साथ में एक ले आइए, और वो नेगेटिव थॉट अपने आप आपकी ब्रेन से निकल जाएगा। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि जो आपका रियल सेल्फ है उसको मत भूलिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो रियल सेल्फ होता है वो हमें हमेशा हमारे को अचीव करने के लिए, हमारे को मोटिवेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, डोंट फॉरगेट योर रियल सेल्फ। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि आप बहुत थक भी चुके हैं, आई थिंक पूरा हफ्ता आपने बहुत चीज़ें करी हैं जो आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को रेस्ट टाइम चाहिए। तो आज का टाइम रेस्ट करने का है, आज का टाइम थोड़ा सा वो करने का है जो आप करना चाहते हैं। आज का दिन अगर आपको लगता है कि जस्ट मीटिंग समवन जिसके साथ मेरे को लगता है कि टाइम का पता ही नहीं चला और बहुत रिलैक्सिंग है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आज। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि जो आपकी कोई काम, जो आपकी कोई जगह, कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी जगह, मतलब आपने सोचा था कि आई डोंट नो उसका क्या होगा, सो प्रॉब्ली उसके आंसर्स मिल सकते हैं, या फिर आने वाले इस मंथ में आप उसको शायद अचीव भी कर पाएं। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको आज समझने की ज़रूरत है। कौन से रिलेशनशिप्स आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप्स आपको नीचे लेके जा रहे हैं। और वैसे भी अभी ये बर्थडे मंथ है, तो आप देखेंगे कि सेलिब्रेशंस, मनी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अलग तरीके से ल्यूर करने वाली हैं। तो आज अपने आसपास सराउंडिंग्स और रिलेशनशिप्स को देखने का मन है। नेक्स्ट इज सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि आप अपने में ही एक गाइडिंग लाइट है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जब अपनी लाइफ को हैप्पीनेस देना शुरू करेंगे या ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि लाइक अ लाइट हाउस जो आपके आसपास भी हैं, आप उनको भी बहुत लाइट दे पाएंगे। तो आज अपने अंदर उस लाइट को जगाने का दिन है और उसको सेलिब्रेट करने का दिन है। नेक्स्ट इज केप्रिकॉन्स। केप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस ये कि आज का दिन
आज जितना भी आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं उसको ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं. कार्ड इज मैजिशियन विच सेज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एक्ट, बिलीव इन योर सॉल्यूशंस. नेक्स्ट इज एक्वेरियस. एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास ही हैं. एक्ट करने का टाइम है, काम करने का टाइम है, और एक्शन लेने का टाइम है, और अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का टाइम है. तो अगर लगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं पे भी निकलिए, एक्शन पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि जब तक आप अपने अंदर से हील होना शुरू नहीं करेंगे, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. सो क्या रोक रहा है आपको हीलिंग होने से, इसको समझने की ज़रूरत है. आप अंदर ही अंदर रोते रहेंगे, लोगों को नहीं मालूम आप कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं. टुडे टाइम टू एक्ट ऑन योर सेल्फ. अपने लिए अपनी हीलिंग को शुरुआत कीजिए, जैसे भी मिले, चाहे आपको म्यूजिक से मिले, लोगों से सॉरी करने के बोले, खुद को फॉरगिव करके मिले, आज उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है. तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा. मे पीस बी विद यू. नमस्कार.